अगर हम राजस्थानी कल्चर की बात करें तो वहाँ का पहनावा और वहाँ के व्यंजन बहुत ही फेमस है। तो आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल दाल और बाफला बाटी की रेसिपी। दाल बाटी की दाल या फिर बाफला बाटी की दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 तरह की दाल ली है, और ये मूंग की दाल है जिसको मैंने 1/4 कप जितना लिया है, बाकी सारी मैंने 1 टेबलस्पून जितनी ली है। तो ये हमारी तुअर की दाल है, ये मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल, इसमें छिलके नहीं हैं, ये चने की दाल है और ये उड़द की दाल है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको मिक्स करके अच्छे से धो के और उसको भिगो कर रखेंगे आधे घंटे के। तो दाल को हमने क्या किया था, मैंने तो कुकर में ही इसको भिगो के रख लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी मैं, तो ये लगभग 1.5 कप जितना पानी स्टार्टिंग में ऐड करूँगी, आप चाहो तो लगभग 2 कप जितना कर सकते हो मैक्स। और इसमें थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर देने के लिए थोड़ी सी इमली डालूँगी। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1/2 टेबल स्पून जितनी हल्दी, 1/2 टेबल स्पून जितना नमक। कुकर को बंद करके अब हम इसमें सीटी आने देंगे, 1 सीटी फुल पे लानी है और बाकी की जो 2 सीटियाँ या 3 सीटियाँ भी ला सकते हो वो हम लोग स्लो फ्लेम पे लाएंगे। सो बाफला बाटी का आटा बांधने के लिए हमने यहाँ पर आटा लिया है, ये लगभग 5 कप है, और साथ में मैंने इसको थोड़ा सा क्रिस्पनेस देने के लिए 1 टेबल स्पून जितना सूजी लिया है, रवा लिया है। इसमें आप चाहो तो बेसन का आटा भी मिला सकते हो। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी मलाई, यहाँ पर ये घर की मलाई मैंने ली है, तो ये लगभग 1/4 कप जितनी है। इसमें डालूंगी थोड़ा घी, इसको मोन देना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें मैं लगभग 1/4 कप जितना घी डालूंगी। घी इसमें आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। आप इसको जब बांधोगे, मैं बताऊंगी कैसे चेक करना है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये 1/2 टेबल स्पून डाला है, थोड़ा सा नमक, 1/2 टेबल स्पून जीरा और 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, जिसको मैं अच्छे से मसल के फिर डालूंगी। अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसको चेक करेंगे। तो इस तरह से मुट्ठी में आटा लो, इसको बांधो, सो इट्स अ परफेक्ट, ओके, इस तरह से बन जाना चाहिए आटा। इसमें घी के बदले मोन में आप तेल भी डाल सकते हो, और कई लोग बेकिंग सोडा भी ऐड करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, तो ये मैंने 1/2 कप जितना दूध लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ये गुनगुना सा पानी लिया है मैंने, और इसको बांधते रहेंगे। इसको ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है आटे को, और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है। ये रेसिपी मैं अपने बेटे की डिमांड पे बना रही हूँ, बिकॉज उसको पता नहीं था कि बाफला बाटी भी होती है। जब उसको पता पड़ा तो ही वॉज सो एंग्री, मुझे बोलता है कि आपने कभी बना के खिलाई नहीं, इतनी अच्छी डिश है, इतनी अच्छी राजस्थान की स्पेशल रेसिपी है, तो आपको बना के खिलानी चाहिए मुझे। तो उसी की डिमांड पर मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। तो ये हमारा आटा न ज़्यादा हार्ड न ज़्यादा सॉफ्ट तैयार हो गया है। इसको हम थोड़ा सा ग्रीस करके अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको 10 मिनट के लिए रख लूँगी मैं साइड में ढक के, इसको मैं ढक के रख दूँगी, फिर उसकी हम बाटी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो दाल है वो एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी है। सो ये जब गरम गरम होती है तभी इसको एकदम अच्छे से फेंट ले तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको हमने फेंट लिया एकदम अच्छे से। अब हम इसको फ्राई करेंगे, तो मैं फ्राई करूँगी अपने मिट्टी के बर्तन में। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है दाल को फ्राई करने के लिए। आपने मेरा वीडियो तो देखा होगा इसको यूज़ करने के तरीके। इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल 2 टेबल स्पून, और लगभग 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें घी। सरसों का तेल और घी का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी राई 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून जीरा, थोड़ी सी हींग। यहाँ पर सरसों चटकने लग गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन, हरी मिर्च, एक हरी मिर्च ली है, इसको अच्छे से काट लिया है बारीक, और इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन को मैंने कद्दूकस किया है, उसको ये 1 टेबल स्पून जितना है दोनों। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर लीजिए, उसमें सिर्फ अदरक डालिए। अब इसको हम लोग लगभग 2 मिनट तक चलाएंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ लगभग 2 मिनट हो गए हैं,
आप देख सकते हो ये काफ़ी चेंज हो गया इसका कलर। अब हम इसमें डालेंगे एक साबुत लाल मिर्च, साथ ही अब हम इसमें डालेंगे थोड़े मसाले, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च, 1/2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मैं डालूंगी टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, उसको एकदम अच्छे से काट लिया है। अब हम इसको अच्छे से गरम होने देंगे जब तक कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मसाला तो तैयार हो गया है। अब हम इसमें हमारी दाल डाल देंगे। आप देख रहे हो कि दाल काफ़ी गाढ़ी है, तो इसको हम पतला करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैं कुकर में ही थोड़ा सा पानी डाल के इसमें एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसमें मैं ये पानी डाल रही हूँ और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको तब तक गर्म करेंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता है, और उसके बाद भी 5 मिनट तक और रखेंगे इसको, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, उसको अच्छे से धोकर डालिएगा। ये देखिए ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। धनिया पत्ता डालने से इसका कलर इसका बहुत ही सुंदर आ रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब हम इसको थोड़ी देर ढक के रख लेंगे, गैस बंद कर दिया हमने, ताकि जब भी आप खाओ इसको गर्मा गर्म खाओ। यहाँ पर मैंने एक बड़े से बर्तन में थोड़ा पानी रखा है उसको बॉईल करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, आटे को हमने ढक के रखा था, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया है। तो उसको एक बार हम लोग अच्छे से मसल के मिक्स कर लेंगे आटे को। तो अब हम इसकी बाटी बना देंगे। तो ये हमारी बाटी तैयार होगी, अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो ये देखिए पानी एकदम गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें बाटी डाल देंगे एक एक करके। गैस को फुल ही रखना है। तो ये हमारी बाटी तो हमने डाल दी है, अब हम इसको हल्का सा इस तरह से हिला देंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब हम इसको गर्म होने देंगे और बीच में थोड़ी थोड़ी देर में चलाएंगे। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको मैंने ढक के रखा था ताकि ये बहुत जल्दी अच्छे से पक जाए। तो इसको जब भी आप हिलाओ तब साइड से लेते हुए इस तरह से ऊपर आते हुए साइड से लेकर ऊपर की तरफ इस तरह से हिलाइए ताकि ये टूटेंगे नहीं। और आप देख सकते हो इसमें चेंजेस बहुत ही लाइट वेट हो चुके हैं, ये ऊपर आ चुके हैं। तो हम लोग गैस बंद कर लेंगे। यहाँ पर हमारे जो बाटी है वो तैयार हो चुकी है, बॉईल हो चुकी है। तो अब एक एक करके इसको हम निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको काटेंगे हम लोग। तो हमारी जो बाफला बाटी है वो एकदम अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो इसको हाफ़ कट कर सकते हो या फिर इसके 4 टुकड़े कर सकते हो। देखिए कितना अच्छे से हो चुका है। तो इसी तरह से हम लोग 4 टुकड़े करेंगे। ये कट कर लिए हमने, अब हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। तो हम इसको डीप फ्राई करेंगे घी में, बिकॉज़ ये हमारी ट्रेडिशनल राजस्थान की रेसिपी है, तो घी में ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहो तो इसको तेल में भी डीप फ्राई कर सकते हो। तो हमारा घी एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हो। इमीडिएटली इसको हम नहीं स्टर करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे अराउंड 30 सेकेंड्स, उसके बाद हम इसको धीरे धीरे करके चलाएंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब हम इसका फ्लेम थोड़ा सा स्लो करेंगे और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है, ये हल्का सा क्रिस्पी और पिंकिश हो गया है, ये देखिए। तो ये सही टाइम है, अब हम इसको बाहर निकाल देंगे। हमारे बाफला बाटी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स हमारी बाफला बाटी और दाल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आई होप यू enjoyed दिस रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
थैंक यू।